अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खुर्शीदा कानी। इस वक्त हम कलाम रोड और असरेत के मुकाम पे अथान रिज़ॉर्ट के दूसरी साइड पे हम आए हैं और चेयर लिफ्ट के ज़रिए हमारा ये सफ़र रहा है। तो मेरे साथ टूरिस्ट भी हैं और यहाँ के मुकामी लोग भी हैं, वो अथान रिज़ॉर्ट के ओनर वाजिद खान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद शाकिर है और इस टाइम मैं खड़ा हूँ अथान द अथान रिजॉर्ट। लास्ट आपने सुना होगा कि एक सैलाब का समा था हमारे 2 साल पहले और काफ़ी हमारे इस इलाके को टूरिज्म का काफ़ी अफेक्ट हुआ। तो उस टाइम सबसे पहला लड़का वाजिद, व्हाट डिड इट, कि उसने उस टाइम जो है ना पुल बनाया और आई हैव सीन के हजार लोग जो है ना, हजारों लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे किस मुश्किलात से। और खुशी मुझे ये है कि उन लोगों की मदद करने वाला एक लड़का आज इस अथान को बना रहा है और अपने दिल से बना रहा है। मैं इस टाइम यहाँ पे रूम से लेकर यहाँ पे एक बहुत प्यारा एक पुरफजा मकाम, और ये सबसे प्लस पॉइंट कि वहां से एक चेयर लिफ्ट आपको एडवेंचर भी, मतलब आप जा रहे हैं रस्ते में, आपके स्टे है कलाम में है, बारेन से जैसे निकलते हैं तो आपको यहाँ पे रुक के ना एक एडवेंचर मिलेगा। सो एडवेंचर इज हियर, रिमेम्बर द नेम द अथान एंड वाजिद, कौम का हीरो, हम कौम का हीरो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ बशीर करीमी, बहरीन सवात से मेरा ताल्लुक है। आज मेरे कुछ दोस्त कराची से आए हुए थे, उनको लेके हम कलाम जा रहे थे, तो रस्ते में हमें असरेत के मुकाम पे अथान रिजॉर्ट मिला। अथान रिजॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर फैमिली चिल्ड्रन, यानी एडल्ट, जिसके लिए भी आप देखो तो एक कंफर्टेबल जगह है। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। केबल कार की सहूलत मौजूद है, केबल कार के ज़रिए आप दरिया के उस पार जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं एक ग्रीन मेडोज, लश ग्रीन वैली को। और कलाम जाते हुए असरेत के मकाम पे ये अथान रिजॉर्ट आपको मिलेगा, जो एक कुदरती सहूलतों से मालामाल जगह। यहाँ पे आपको चश्मा शिफा, केबल कार और बहुत सारे सहूलतें मौजूद हैं। तो मेरे मुल्क के तमाम सयाहों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आ जाओ तो अथान रिजॉर्ट पे ज़रूर विजिट कर दीजिएगा एक बार, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेस्ट लगेगा ये। थैंक यू। मेरा नाम खादिम हुसैन कोहिस्तानी है, मैं कराची से आया हूँ, हूँ वैसे यहाँ का लोकल। ये हमारा एक टूरिस्ट पॉइंट है, एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है, आप आए सेफ और सिक्योर और रिजनेबल एक जगह आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है ये। और किसी वक्त भी आप बिना झिझक, आप जब भी आप सवात आना चाहें आप सवात विज़िट करें, और जब आप सवात विज़िट करें तो आप लाजमी कलाम, तो सभी लोग विज़िट करते हैं, तो आप लोग लाजमी यहाँ पे कि जो अथान रिजॉर्ट है आप लाजमी ये विज़िट करते हुए आप जाइएगा। मेरा नाम इमरान है और मैं कराची से आया हूँ, और माशाल्लाह ये अथान पार्क हमारा विज़िट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन जगह है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और सैलाब के बाद से मेरे ख्याल में ये जितना इन्होंने काम किया है बहुत बेहतरीन है, लोगों को आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो यार रास्ते में ये जो इंजीनियर वाजिद की एक कावश है, उन्होंने मेहनत की है काफ़ी, एक सैलाब से पहले ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसने बाद में दोबारा इस पूरा सिस्टम को दोबारा बनाया। तो अपने दोस्तों को मैं, हम लोग लेकर आए थे यहाँ पे और ये काफ़ी खुश भी हो गए और अप्रिशिएट किया कि इतने दूर दराज इलाके में इतना बेहतरीन काम कौन कर सकता है। तो मेरा जवाब था इंजीनियर वाजिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद अली है, बहरीन से मेरा ताल्लुक है और दोस्तों के साथ घूमने आए थे यहाँ पर। अथान कैफी पर हमने स्टे किया, यहाँ पर केबल कार की सहूलत भी मौजूद है जिससे आप दरियाए स्वाद के आर पार आ जा सकते हैं और क्या कहते हैं, हैरानंगेज नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अथान कैफी जो है वो बिल्कुल दरख्तों के करीब है, तो बहुत ही खूबसूरत हवाएँ चलती है दियार के दरख्त, और उनकी जो खुशबू है वो भी आप महसूस कर सकते हैं। तो एक प्योर जो मेडोज की एसेंस जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आप दूर नहीं जा सकते तो असरेत के मुकाम पर अथान कैफे वाजिद भाई ने बनाई हुई है, तो आप जब भी आना चाहे तो असरेत के मुकाम पर अथान कैफे पर स्टे करें ज़रूर।